कि पूरा ही ब्लैकमेल करते हैं, मतलब पूरा कमीशन का एजेंट का, वो भी ऊपर से ही, ऊपर से ही। और पनवाल जैसे पनवाड़ी में कई जगह चले जाओ तो बिल्कुल लोकल ही डीएपी में जा रहा है, लोकल बोरी चेंज करके एक छापा निकल, बिल्कुल छापा। और राड मंडी में तो आप जाओ ना, मटर की पैकिंग वहाँ सामने ही चेक पैकिंग की जा रही है, 15,000 रुपये के जी दे जा रहा है, 150 रुपये। मतलब शाम भी अभी इसका MSP 66 रुपये बना मूंगफली का, मगर MSP की एक भी दुकान अभी तक लौट नहीं की गई। मतलब पनवाड़ी में लास्ट ईयर हुई थी, वो भी बिल्कुल लास्ट में हुई थी, जब किसान अपना पूरा माल खर्च के लिए खा बीज इसके लिए बेच ही चुका था, तब जाके पनवाड़ी में लौट हुई थी। और एक ही दुकान लौट होती हुई थी, मतलब एक ब्लॉक में एक दुकान लौट होना, उस पर भी कमीशन। मतलब जो आज भी 66 रुपये MSP उन्होंने बनाया है मूंगफली का, उसमें 600 रुपये कमीशन जाएगा शासन को। जब खाद बढ़ने का समय आता है, किसान बता रहे हैं कि जो ब्लैक से है, जिनको प्राइवेट लेना है खाद, उनके यहाँ ट्रक पर्याप्त उतर जाते हैं। ये सवाल सबसे बड़ा है कि जब सोसाइटियों में खाद नहीं आ पाता है तो सरकार उनके पास खाद कैसे पहुंचा देती है, कैसे वहाँ खाद पहुंच जाता है? बोलो, कुछ एक्स्ट्रा पैसे सरकारों को या उनके मंत्रियों को एक्स्ट्रा पैसे पहले से ही एडजस्ट करते थे। 1350 की है, उन्होंने 1370 रुपये की बोरी सीधा मंत्रियों के पास सीधा जाता है। मतलब उन्होंने पूरा फिक्सेशन है, इसलिए वो दुकानों पर जिनके पास इफको का लाइसेंस है उनके पास भरपूर मात्रा में खाद पहुँचता है। और वो यहाँ पे ब्लैक में 1700 की बोरी बेचते हैं। इसकी हमारे यहाँ जो भी यहाँ का अधिकारी होगा महुआ डिस्ट्रिक्ट में या जो भी कोऑपरेटिव चेयरमैन होंगे, उनको उनके पास कमीशन भी जाता है। चकपाणी त्रिपाठी के पास इसका कमीशन बिल्कुल 100% जाता ही होगा, क्योंकि जब भी तो पनवाड़ी में 1700 की बोरी खुल के बेची जा रही। और हमारी सोसाइटी में 8 गाँव लगे हुए हैं, मतलब ये क्लब सोसाइटी में 8 गाँव लगे, 8 गाँव में अभी तक कुल 600 बोरी उपलब्ध कराई गई। ये सरकार की मंशा क्या है कि मतलब सोसाइटी में 600 बोरी किसान धक्के खा, मतलब एक गांव की जनसंख्या 10,000 रुपये, मतलब 10,000 लोगों को यहां खाद चाहिए, उसमें बोरी 600। ये सरकार क्या कमी है, सोसाइटी में खाद नहीं पहुंचा रही, 1700 की जहां बेच रहे वहां खाद की पूर्ति हो रही है, तो सरकार की सबसे बड़ी कमी है। बिल्कुल जानबूझ के भ्रष्टाचार, सरकार कह रही है कि हम लोग खाद की पूर्ति करवाएं जो सोसाइटियों में नहीं दे रहे। मतलब नगरा सोसाइटी में कम से कम 600 बोरी आई कुल, मतलब यहाँ बोरी आनी चाहिए कम से कम 10,000 बोरी, तब यहाँ जाके पूर्ति होती। सरकार का काम उस तरह का, जैसे 100 बिल्लियाँ हैं उसमें एक रोटी फेंक दो, यही बिल्लियाँ आपस में लड़ मर जाएं, किसान यहीं पे आपस में अपनी एक दूसरे की रंजस हो जाए, और वो लोग जिन्हें ब्लैक से करना उनके पैसे जमा हो जाए। बढ़िया, बिल्कुल, ये बिल्कुल इतना गंभीर आरोप है। और जब चुनाव के समय आते हैं, नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई भी नेता सोसाइटी इधर बैंकों के पास चक्कर नहीं लगा रहे हैं, कम से कम नेता अपने प्रतिनिधि, अपने कोई चेला, कोई ना कोई तो भेजे यहाँ। बिल्कुल, यहाँ पे प्रतिनिधि, जैसे यहाँ के प्रतिनिधि जैसे सचिव हैं, सचिव तो ऑलरेडी नियुक्त है ही हैं, सचिव हैं, मगर सरकार इन सचिवों को और सरकार को ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहिए कि यहाँ खाद की पूर्ति करवाता रहे। मतलब खाद की पूर्ति हर सोसाइटी में पूरी होनी चाहिए, मतलब हर जगह नहीं पहुंच सकते तो अपने आदमी पहुंचे। हाँ, कम से कम कोई तो पहुंचे, जो और ऊपर से 2 लोग कर्मचारी और भेज देते पुलिस विभाग के, कुछ वो लोग करते हैं किसान तो उनको उठा के जाके वहाँ बंद करवा लिया जाता है। मतलब ये बहुत एक समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। कोई उठाएंगे किसान को ही, हाँ, उठाएंगे किसान को ही, लास्ट में किसान को ही कुछ ना कुछ करना कोई है। एक बात करने वाला होगा तो उसे जेल में डाल देंगे, तो बेचारे सब किसान और दब जाएंगे। व्यापार खेत चाहना व्यापार, ऐसी ऐसा क्रांतिकारी नहीं बनना, ऐसा क्रांतिकारी नहीं बनना है कि जेल हो जाए। हाँ, कि जेल हो जाए, ये डरा के कैसे काम हो रहा है। सरकार का सीधा काम है, डरा के ही धमका के किसानों को दबाया जा रहा है। जितनी देना तो देना, नहीं देना तो नहीं देना, ब्लैक करना है तो ब्लैक करना है, बस यही एक उनकी मंशा है। सरकार की मंशा किसान हित की है ही नहीं। आगे चुनाव आएंगे तो फिर कैसे, जनता जवाब नहीं देगी किसान? बिल्कुल जवाब देगी, और बिल्कुल इसका विरोध करेगी। मुंह तोड़ जवाब दे, मुंह तोड़ जवाब किसान आए तो सुना चाहिए, काहे सुना है, काहे ना सुना, नहीं तरह करते हैं। उन लोगों ने इसका विरोध भी किया फेसबुक के माध्यम से, मगर सरकार को यूं और सरकार और यहाँ के मतलब कुछ जो भी सरकार के वो है विधायक सांसद, कोई भी जू नहीं रेंगता है किसी भी प्रकार का। आप लोग भी पूरा इसका वो है, किसानों का सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं, आप लोगों के माध्यम से जाती है, जो लोग हमारे शिक्षित भाई बहन हैं उनके भी माध्यम से सरकार। क्या नाम है आपका? नारायण राजपूत। नारायण, बहुत अच्छे के हैं, कितने साल से किसानी कर रहे हैं? किसानी में 10 साल से कर रहा हूँ। बहुत अच्छे बोल रहे हैं, ऐसे किसान बिल्कुल ऐसे लोग बोलने चाहिए, आप सुने और बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया बोले और अच्छी बात रखे। ये भ्रष्टाचारी है उसको बात कर रहे हैं कि पूरी मनसा रहती है नेताओं को, सब पता रहता है कि कहाँ बताए। यहाँ नहीं है, बीज गोदाम में जाओ, बीज गोदाम में हम लोगों के यहाँ सरकारें किट में फ्री में देती हैं, और वो किट आज तक किसानों को नहीं दी जाती हैं, दी जाती हैं
मतलब सिलेक्ट कर लिए जाते हैं ऑलरेडी, पहले से ही सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, वहीं अंदर लिस्ट बन जाती है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और कई बार तो हमने ये देखा है कि पात्र उन्हें मिल रही नहीं, पात्र नहीं, हमने कई बार 8 किलो मछली पूरी खा गई हर किसान के मिलने दी प्रति अगर नहीं गई है पूरी कि पूरा ही ब्लैकमेल करते हैं, मतलब पूरा कमीशन का एजेंट का, वो भी ऊपर से ही और पनवार जैसे पनवाड़ी में कई जगह चले जाओ तो बिल्कुल लोकल ही डीएपी बेचा जा रहा है, लोकल बोरी चेंज करके एक छापा निकल, बिल्कुल छापा। और राड मंडी में तो आप जाओ ना, मटर की पैकिंग वहाँ सामने ही चेक पैकिंग की जा रही है, 15,000 रुपये के जी दे जा रहा है, 150 रुपये, मतलब सामने पैकिंग हो जाएगी वहीं, बिल्कुल वहीं पैकिंग हो जा रही है। मूंगफली को क्या रेट है भैया? मूंगफली का 41 रुपये रेट चल रहा है। बीज का भाव लो तो, बीज लिया था 15,000 रुपये। किसान कैसे किसान आगे बढ़ पाएगा, कैसे हो पाएगा? एक क्विंटल से ऊपर प्रोडक्शन नहीं है, पर भी प्रोडक्शन है। मूंगफली की मजदूरी न चुपाई है, चुपाई कछु नहीं हो पा रो, चार चार बार आ रहे मजदूर मंगाए जब भाव नहीं है, कछु जो कहाँ से दे रहे जा रहे हैं 16,000 को हरी जा, जब आज तुम्हारी तो जब आज 3200 को मिले बेचे हाओ, और ऐसे वो नहीं की तरफ देखा था, अब यही रेट लगा है, बाबा नहीं को देखा था ज्यादा था है। मंडी में जा सकू खरीदी नहीं है, 3,000 को 3200 को 3400 को। किसान जो MSP की बात कर रहे थे, एकदम जांच कर रहे थे, किसानों की फसल पे मिनिमम रेट होना तय होना ही चाहिए कि इतने से नीचे नहीं बिकेगा, क्योंकि मंडी सब पूरी कैप्चर है, पूरी कैप्चर है किसी भी चीज का। जैसे MSP अभी इसका MSP 66 रुपये बना मूंगफली का, मगर MSP की एक भी दुकान अभी तक लॉट नहीं की गई, मतलब पनवाड़ी में लास्ट ईयर हुई थी वो भी बिल्कुल लास्ट में हुई थी, जब किसान अपना पूरा माल खर्च के लिए बीज इसके लिए बेच ही चुका था, तब जाके पानवाड़ी में लॉट हुई थी, और एक ही दुकान लॉट होती हुई थी, मतलब एक ब्लॉक में एक दुकान लॉट होना, उस पर भी कमीशन, मतलब जो आज भी 66 रुपये MSP उन्होंने बनाया है मूंगफली का, उसमें 600 रुपये कमीशन जाएगा शासन को, 600 रुपये कमीशन जाएगा, 6,000 रुपये लोग खरीदेंगे। और अभी तक एक भी दुकान लॉट नहीं कराई, जो मूंगफली की MSP की दुकान है एक भी दुकान लॉट नहीं हुई पूरे महावा डिस्ट्रिक्ट में, भ्रष्टाचारी हो तो कहे जाए, एक भी दुकान MSP की अलॉटमेंट नहीं हुई, मतलब इस टाइम पे अलॉटमेंट हो जानी चाहिए दुकान की, तुलाई उलाई जो MSP का है, मगर अभी नहीं करेंगे, बोलो करेंगे जनवरी में। आप अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आपको किसानों की सौगंध है, उनकी रोटी की कीमत इस वीडियो को शेयर करके चुकाइए, थोड़ा सा उनकी बात ऊपर मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचे, क्योंकि अन्नदाता हैं, यही गल्ला उगाते हैं तब आप रोटी खा पाते हैं, बेचारे रात दिन खेती करते हैं, उधर खेतों में सांप बिच्छू से कुछ देखते नहीं है, और जब मिलता है तो ऐसी लाठी मिलती है और खाद नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल लाठी बिल्कुल, हम यहाँ कई जो हर सोसाइटी पर रातों लोग सोते हैं, आप नाइट में आइए कभी वीडियो बनाइएगा, रातों लोग यहाँ सोते मिलेंगे आपको, रातों सोते मिलेंगे, मतलब यहाँ खाना अपने बच्चों से खाना मंगवा लेते, कई लोग यहाँ पास में अपने दोस्त हुआ तो उन्होंने भैया यहाँ बाहर अपने घर से यार खाना भिजवा दो, कहा जाए तो जाके लोग नहीं, वो कहा जाए तो उनकी सरकारी जो कर्मचारी हैं वे बेचारे नौकरी कर रहे हैं, उनको पर्याप्त मिल ही नहीं रहा जो ब्लैक से, बिल्कुल बिल्कुल उनको भी पर्याप्त, हमने बताया ना यहाँ पे कुछ 600 बोरी का अलॉटमेंट हुआ है, मतलब यहाँ जहाँ 10,000 बोरी का अलॉटमेंट, जहाँ पैसे देखने लगे थोड़ा उनका भी लालच बढ़ जाता है, हाँ उनका भी, मतलब पैसा यहाँ पे अलॉट लालच तो ये समस्या है, यहाँ लालच फिंगर अब आ गया तो लालच की समस्या तो खत्म होगी, मगर सरकार अलॉटमेंट ही नहीं कर रही है, क्योंकि बायोमेट्रिक आ गया, बायोमेट्रिक आ गया तो ब्लैकमेली तो उतना नहीं है, मैं यहाँ सोसाइटियों से मैं सोसाइटी में खाद ही नहीं दिया जा रहा, ब्लैकमेली बाहर टू बाहर हो रहा है। जब लालची हो गई जमीन घी चुपरी तो मैं खबा उतना, फिर तुम बैर चुपरी खा लो। हमारे एक बार जिलाधिकारी जी आए थे, उन्होंने कहा था हम ऑर्गेनिक खेती कराएंगे, उन्होंने उसके लिए बजट भी अलॉट कर दिया था, मगर हमारे जैसे ही जिलाधिकारी जी चेंज होते हैं ऑर्गेनिक खेती का बजट बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया, बिल्कुल ठंडे बस्ते, जब से ऑर्गेनिक खेती के लिए कभी फोकस नहीं किया, शायद सरकार ऑर्गेनिक खेती पे भी फोकस कर ले, सोच ले कि जिस प्रकार DAP दिया जा रहा है उस प्रकार ऑर्गेनिक खाद ही मंगवा दे तो किसान क्यों नहीं ऑर्गेनिक खेती करेगा, ऑर्गेनिक मंगाएगा। लोग ऐसा जो बगैर खाद का गल्ला खाना चाहते उसका अलग, बिल्कुल 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 उसका अलग रेट भी बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक खाद ही दिया ही नहीं जा रहा है, किसान खुद में बात तो हो रही है, किसान अपनी समस्या का सॉल्यूशन भी खुद बता रहे हैं कि कैसे कैसे सरकार उनकी समस्या का निवारण कर सकती है, लेकिन करना हो जब मनसा हो, मनसा नहीं है किसी भी सरकार की, कोई मनसा नहीं है आज तक। ऑर्गेनिक खेती की बात बहुत हुई, कागजों में बहुत होती है, अलग अलग मैं डेली देखता हूँ अखबारों में इस समय कि ऑर्गेनिक खेती की जाए, मगर ऑर्गेनिक के लिए अदर प्रोत्साहन तो दिया जाए, जैसे इन्होंने कहा कि गौ संरक्षण के लिए सरकार 900 रुपये पर मंथ देती है, मगर सभी को नहीं देती है, जैसे गंगाचंद राजपूत जी की गौशाला है उनको दी जा रही है, प्रधानों की गौशाला है उनको दी जा रही है, गाँव में किसी को नहीं दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात, ये थे नकरा हम लोग
कलहुआ सोसाइटी में है, नकरा गांव है, नकरा गांव में बनी हुई है सोसाइटी, और यहां लगभग 500 किसान हैं और कुल 150 किसानों को खाद मिलना है। कैसे क्या हो पाएगा यहां बता रहे हैं कि रातों किसान यहां लेटे रहते हैं, सरकार की कानों में कब जू रहेगा, कब इन्हें पर्याप्त खाद मिल पाएगी, ये भी एक सवाल है। आप भी आप देख रहे थे जनता का राज, मेरा नाम है अवधेश पाल और इस खबर को आपसे फिर से कहूँगा कि अधिक से अधिक शेयर करिएगा।